हेलो साथियों, एग्जाम एक्सेस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, ICAR IARI भर्ती 2021 का री एग्जाम 7 से 10 जुलाई को होना तय है और आप सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए और फटाफट डाउनलोड कीजिए। सरकारी रिजल्ट और ऑफिशियल साइट पे इसका एडमिट कार्ड सभी का आ चुका है, क्योंकि मेरा भी पेपर था और एडमिट कार्ड मेरा भी आ गया है, जो कि मेरा पेपर 8 तारीख को था, 4 ही तारीख को एडमिट कार्ड आ गया। तो प्लीज सभी लोग जाकर अपना अपना IARI भर्ती टेक्नीशियन पोस्ट T1 के लिए फटाफट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि पिछली जो कट ऑफ थी उससे कितनी कम जाएगी, क्या उससे अधिक जाएगी, क्या सभी बच्चों ने तैयारी कर रखा है, इस पूरी जानकारी को आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछली कट ऑफ के आधार पे, तो मैं आपको बताऊं, एक मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चला जाए तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 61 पॉइंट समथिंग थी, ओबीसी 58 पॉइंट समथिंग थी और एससी कैटेगरी की ये देखिए 52.9 के करीब थी, तो ये 53 भी माना जा सकता है राउंड फिगर में देखा जाए तो। ईडब्ल्यूएस की थी 57 के करीब और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ पिछली बार देखने को मिली थी 49.807 देखने को मिली थी। ओके, 49 पॉइंट तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो पेपर का लेवल था ना, वो टफ था, क्योंकि मैंने पेपर दिया था। इस बार देखा जाए तो पेपर का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट बनाना चाहिए। पेपर का लेवल बहुत ही टफ पिछले बार दिया था। हर पेपर में जो बच्चे 78, 79, 70, 80 पार कर जाते हैं, वो बच्चे उसमें 50, 49 तक जाके रुक गए थे। यानी पेपर का लेवल कहीं ना कहीं बहुत ही टफ दिया था। तो आइए आपको पूरा हम डिटेल बताते हैं किस प्रकार से क्या होने वाला है इसमें और कैसे आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। तो मैं आपको दोस्त एक बात बता दूं कि इस बार जो आपकी परीक्षा होगी ना, इसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा हो सकता है डाउन करेगा, और जब डाउन करेगा तो भले देखिए हम पढ़ाई करें या ना करें, लेकिन सभी लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले बार जो 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, कितने में 15 लाख अप्लाई हुए थे, 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और ये बीत चुका है 1.5 साल, तो 1.5 साल में बहुत सारे लोग भग चुके होंगे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जॉब कर रहे होंगे या कुछ लोग पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, तो आइए आपको बताते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग में बता दूं आपको कि कट ऑफ अगर पेपर यही रहा, चाहे थोड़े इससे इजी पेपर दे दे, तो कट ऑफ डाउन जाएगी, कट ऑफ डाउन जाएगी। और इसमें यह भी सुनने में आया कि धांधली हुई थी तभी पेपर को कैंसिल करके री एग्जाम कराया गया। तो जनरल कैटेगरी से बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है 55 नंबर के करीब। जनरल कैटेगरी अगर यही पेपर थोड़ा सा इजी भी आया तो 55 नंबर देखने को मिलेगी। ओबीसी की कट ऑफ इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है, प्लीज एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ओबीसी कट ऑफ आपको 50 के करीब देखने को मिल सकती है, अप्रोक्सीमेटली 50 के करीब। और एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो ये कट ऑफ और गिर के आपको 43 से 45 के बीच में देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 52 के करीब देखने को आपको मिल सकती है। एसटी की कट ऑफ देखा जाए तो एसटी पिछले बार 49 और 50 के करीब थी, तो इस बार आपको देखने को मिल सकता है कि 45 के आसपास या 40 से 45 के बीच में वैरी करती हुई नजर आ सकती है। यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने वाले जो थे वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे, उम्मीद करता हूं, और आप इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, पूरा विश्वास है। तो प्लीज वीडियो को अगर देखें अंत तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और IARI टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका एक नाम तय है। तो आपकी तैयारी है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, पेपर तो छोड़ना नहीं है। अगर आपने पेपर छोड़ा तो समझिएगा कि एक अच्छा मौका गंवा दिया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।